बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, स्वागत है आपका firstbite.tv में। मानव बम बनकर घूम रहे व मेडिकल स्टाफ से बदतमीजी करने वाले जमातियों के प्रति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। योगी ने साफ कहा है कि उनकी सेवा में लगे चिकित्सकों के साथ किया गया दुर्व्यवहार जघन्य अपराध है, इन पर रासुका लगाई जा रही है, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। इस बीच मस्जिद में जान देकर जन्नत नसीब होने की बात कहने वाले तबलीगी जमात के मौलाना साद पर दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अपना शिकंजा कस लिया है। स्वयं को आइसोलेशन में बताकर गायब हुए मौलाना साद को 26 सवालों की लिस्ट जारी कर दी है। कोरोना प्रकोप के चलते देश लॉकडाउन में है। इस लॉकडाउन में भगवान चिकित्सक के रूप में अपनी जान की परवाह न करते हुए जन सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी जाहिलियत के चलते इन्हें भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। इंदौर की घटना के बाद गाजियाबाद में जो हुआ वह बेहद शर्मनाक है। जिला MMG चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने गाजियाबाद पुलिस को लिखा है कि चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना वायरस के संदिग्ध जमाती मरीज वार्ड में बिना पैंट के नंगे घूम रहे हैं। वे वहां गंदे व अश्लील गाने सुना रहे हैं, महिला स्टाफ को अश्लील इशारे कर रहे हैं। इस स्थिति में इन लोगों का यहां इलाज संभव नहीं है। इस घटना को प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बेहद गंभीरता से लिया है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि मानवता के दुश्मन ये कुछ लोग ना ही तो कानून को मानते हैं और ना ही व्यवस्था को। ऐसे लोगों पर रासुका लगाई जा रही है, ऐसे लोगों को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने यह व्यवस्था भी की कि जमातियों की देखभाल में अब महिला की बजाय पुरुष स्टाफ को लगाया जाएगा। उधर दिल्ली क्राइम ब्रांच ने फरार चल रहे तबलीगी जमात के अमीर मौलाना मोहम्मद साद को नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस में उनसे 26 सवाल पूछे गए हैं। नोटिस में संगठन का पूरा पता, रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारियां, संगठन से जुड़े कर्मचारियों की पूरी डिटेल, उनके घर का पता, मोबाइल नंबर भी पूछे गए हैं। इसके अलावा मरकज के प्रबंधन से जुड़े लोगों के बारे में भी विस्तृत जानकारी मांगी गई है। साथ ही पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट की डिटेल, एक साल की बैंक स्टेटमेंट की डिटेल, 1 जनवरी 2019 से अब तक मरकज में हुई सभी धार्मिक आयोजन की जानकारी, मरकज में CCTV कहां कहां लगे हैं की जानकारी मांगी गई है। मौलाना साद से धार्मिक आयोजनों में भीड़ जुटने से पहले क्या कोई इजाजत कभी पुलिस या प्रशासन से मांगी गई या कभी मिली तो उसकी जानकारी और दस्तावेज मुहैया कराने, 12 मार्च के बाद मरकज में आए सभी लोगों की लिस्ट, इसमें कितने विदेशी व कितने भारतीय शामिल हैं, कितने लोग बीमार थे और जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया उनकी पूरी जानकारी मांगी गई है। बता दें कि देश को मुसीबत में डालने के इस मामले में मौलाना साद समेत 7 लोगों पर FIR दर्ज है। फिलहाल मौलाना साद की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है और वह फरार है। इस खबर में आज इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार।